अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं विटामिन सी ग्लो सीरम। सो उसके लिए हमें चाहिए संतरे के छिलके, एक गिलास पानी और एक खाली बर्तन। सबसे पहले हम खाली बर्तन में छिलके जो हैं ऐड कर देंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। अब इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच तक रह जाए। जी तो यहाँ रेडी है ये, तो इसको मैं छान लूँगी। यहाँ मैंने इसको छान लिया है और अब ये ठंडा भी हो गया है। तो अब हम इसमें अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। मैं यहाँ ऐड करूँगी एलोवेरा जेल 1 टीस्पून, जी तो दोस्तों मैंने इसमें एलोवेरा जेल अच्छे से मिक्स कर ली है। सबसे पहले हमने एलोवेरा ही इसमें ऐड करनी है क्योंकि एलोवेरा जो है वो मिक्स होने में टाइम लेती है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल ही ऐड की है। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई कैप्सूल। ये आपने इम्यून कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं लेने, ये कैप्सूल्स आपने लेने हैं, ये फेस के लिए होते हैं तो आपने यही यूज़ करने हैं। दो कैप्सूल्स मैं इसमें ऐड करूंगी। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून आलमंड ऑयल ऐड करूंगी। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसके अल्टरनेटिव ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी आपने लेनी है। इसके साथ अब हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन के आपने 4 to 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं सिर्फ, ज़्यादा क्वांटिटी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करनी। जितना मैंने बताया आपने सेम क्वांटिटी ही यूज़ करनी है। जी तो अब ये हमारा जो सीरम है वो रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। विटामिन सी सीरम जो होता है वो हमारे फेस को हाइड्रेट करता है, इसको हमारे फेस को ब्राइट करता है। इसके अलावा रेडनेस जो होती है वो कम करता है, पिगमेंटेशन को भी कम करता है। इसके अलावा हमारे अंडर आइज डार्क सर्कल्स इनको भी ठीक करता है। इसके अलावा जिनकी दिल लटक चुकी होती है, सैगिंग होती है, तो वो भी टाइट करता है। और इसके अलावा जो है विटामिन सी हमारे जो अगर फेस पे एक्नी हो तो वो भी ठीक कर देता है। सन डैमेज से भी जो हमारी स्किन ख़राब हो जाती है वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स लेने हैं और इसको आप चाहें तो दिन में लगा सकते हैं, चाहे तो रात में लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में इसको लगाना पसंद करते हैं क्योंकि सारा दिन सूरज की शुआओं के साथ सामना होता है, तो सूरज जो है वो हमारी स्किन को बहुत डैमेज कर देता है, इसलिए इसको आप डे टाइम भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मैं चलती हूँ, आप मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद और मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।